उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी सरकार ने छाती ठोक कर कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई हो। जिस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग अपनों को कंधों पर लादकर घूमने को मजबूर हुए हों, जिस प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस को देखकर लोग रातों से लाइन में लगने को मजबूर हुए हों, और जिस प्रदेश में एक महिला अपने पति को मुंह तक से ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर हुई हो, उस प्रदेश में सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जान नहीं गई। सरकार के इस दावे पर आम आदमी ने सवाल खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ही लोगों ने कहा कि अगर यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और कोई इससे मरा नहीं तो सड़क पर जो लोग भटक रहे थे वो क्या थे। सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर के लोगों ने कहा कि अगर कोई जान ऑक्सीजन की कमी से गई ही नहीं तो प्रदेश में करोड़ों रुपए के ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगवाए जा रहे हैं। जब ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा था, उस समय महामारी की जो दशा थी वो देखने के कंडीशन में थी कि हर घर से चीख पुकार उठ रही थी और हर कोई सिलेंडर के लिए जूझ रहा था। लोग ट्रांसपोर्ट नगर में और जगह जगह पर सुबह से ही लाइन लगाते थे, वेटिंग में लोग चलते थे। इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को लगाया गया था कि ऑक्सीजन की कहीं भी कमी ना होने दी जाए। अगर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई है तो फिर ये बताइए कि फिर ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत क्या पड़ी। लगातार ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि, सांसद निधि से लगवाए जा रहे हैं और उसका मॉक ड्रिल भी हो चुका है, तो ऑक्सीजन की भारी पैमाने पर कमी थी तभी तो लगवाए जा रहे हैं। तो ऐसा कहना स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो यह पूरी तरीके से निराधार है और झूठ है। देखिए, जो मंत्री जी का बयान आया है, अधिकतर जो विधायक होते हैं वही मंत्री बनते हैं। जब विधायक होते हैं तो सड़क सड़क जाके लोगों से वोट मांगते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जब विधायक बन जाते हैं, सत्ता पे आसीन हो जाते हैं, इनको जनता के पैसों से अनाप शनाप सुविधाएं मिलने लगती तो इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। ये जो बयान है ये इनके दिवालियापन का, इनके मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने का प्रमाण है। हमने, आपने, संपूर्ण कानपुर ने और इवन उत्तर प्रदेश ने देखा कि कैसे जनता मारी मारी फिर रही थी और लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अगर उस समय ऑक्सीजन की इतनी पूरी पूर्ति हो रही थी तो उसके बाद सैकड़ों की तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। मंत्री जी ये बता दें, क्या उन्होंने एक्स्ट्रा प्लांट बनवा दिए हैं, क्या वो गैस को सप्लाई करना कहीं चाह रहे हैं। ये महज जनता की आंखों में एक मिर्चा झोंकने वाला है और जो लोग कोरोना की वजह से जिन्होंने अपना जीवन खो दिया उनकी आत्मा को दुख पहुंचाने वाला बयान है। ऐसे बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये इसी को कहते सफ़ेद झूठ। जी, स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान बिल्कुल बचकाना है और उनकी मानसिक दुश्वारी का ये जीता जाता प्रमाण है। कोरोना काल में इस पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जानने या पहचानने वाले ऑक्सीजन के अभाव में न गुजरे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। और यदि ये बातें तथ्यहीन हैं तो क्या गंगा में तैरती वो लाशें और घाटों पर जिस रेगिस्तान की परतें हट गई थी तो वो लाशें सीधे दिख रही थी, क्या वो लाशें झूठ बोल रही हैं। ऑक्सीजन शुरुआती दौर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, काफी भागदौड़ थी, लोगों को दिन और रात लगा के भी ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा उसके अंदर नहीं थी पर्याप्त, तो जिसकी वजह से लोगों की जान भी गई है। हमारे एक रिलेटिव हैं, हमारी मामी जी इसमें गई हैं और एक मित्र भी हमारे गए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। और बाद में जाके पूर्ति हुई ये बात कह सकते हैं, भागदौड़ बाद में हुई है जितनी भी हुई है, और बेसिकली शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी लोगों की जान गई। मेरे पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं और सबकी सब हर चीज ऑक्सीजन की वजह से ही, कमी की वजह से ही मैं मानता हूँ ऐसा हुआ है। मैं उनको बहुत हॉस्पिटल में घूमा, पहले मैं यहाँ पे एसडीएम हॉस्पिटल में गया, उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, उसकी वजह से उन्होंने बहुत देर तक पापा को वहीं रखा और उन्होंने झूठ बोलते रहे ऑक्सीजन आ रही है, वो ऑक्सीजन नहीं आई। फिर उनके बाद हम उनको संधो मेडिकल कॉलेज है वहां लेके गए, वहां भी ऑक्सीजन नहीं थी। फिर उनको हम एमजी हॉस्पिटल लेके गए, वहां भी ऑक्सीजन नहीं थी। फिर उनको हमें बहुत मुश्किल से हमें हॉस्पिटल मिला सियान में, बुलंदशहर में जाकर, वहां भी ऑक्सीजन हुई पर वो भी शाम तक खत्म हो गई। तो ऑक्सीजन कमी अगर नहीं होती तो मेरे पिताजी आज जिंदा होते और आज वो हमारे साथ में होते। तो ये कहना बहुत गलत होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरे पिताजी यहाँ पे रहे।